बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें जीजा कोई और था और जीजा आया नहीं शूटिंग के टाइम पे। अरे ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे और मैं था, कहता धोती बांध के बैठ जा और गाना चेंज होने से गाना काला था, काला था। तो फिर अब वो छेड़े मेरे को हंसी जाती नहीं, गुदगुदी हो रही थी, उन्होंने और पिन ली और वो जो चुप और मैं फिर करूँ था बस। ये भी आपने देखा होगा 84 की बात है भैया, मजबूरी का जीजा था। जीजा तू काला मैं गोरी घणी, हरियाणा का इससे फेमस गाना शायद ही कोई होगा। बच्चा बूढ़ा जवान सबकी जुबान पे यो गाना आज तक 20 साल पहला भी था, 30 साल पहला भी था, आज भी है। गामा में चाहे कोई प्रोग्राम हो इससे पहले लुगाई जरूर नाचेंगी। तो उस गाने में जो जीजा का रोल किया है वो हमारे साथ जीजा जी हैं, रामपाल बलारा जी, इनसे बात करांगे उस समय से लेकर आज तक की, खासकर जो चंद्रावल फिल्म का वो गाना था, चंद्रावल फिल्म की। बलारा जी नमस्ते। राम राम भाई। राम राम जी। तो सबसे पहले तो ना दर्शकों को ये पता ही नहीं होगा कि रामपाल बलारा जी मतलब वो जीजा थे, तो एक बार तो सारे दर्शकान हैं मतलब थोड़ा हाँ बताओ अपने बारे में। राम राम दर्शकों जी, मैं रामपाल बलारा और चंद्रावल फिल्म 1984 में बड़ी थी जी, और मैं उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था जी। जयंत प्रभाकर डायरेक्टर थे, हम दोनों ने मिलकर स्कीम बनाई थी कि फिल्म बनाए, उनके फादर ने कहानी लिखी जी। तो शूटिंग हो रही थी, शूटिंग पर एक आर्टिस्ट था जो जिसको करेक्टर देना था, जीजा का रोल करना था। अच्छा। वो आए नहीं, सेट लगा हुआ बैठे हुए हैं, कहते जीजा क्या करें। तो डायरेक्टर ने कहा भाई बैठ जा जी, अच्छा मान धोती और करते हैं गाना। तो वो गाना हमने करा और गाना तो अपने आप में हिट था, फोक है और वो कह रहा सीटने हैं साड़ी के, जीजा साड़ी के जो छेड़छाड़ है वो उस पर हुई, और मैं छेड़छाड़ में ज़्यादा विश्वास मेरा था नहीं। अच्छा। और वो जब वो कहे इसमें तो हंसो कूदो साड़ी छेड़े हैं, तो भगा मेरे को तो भाई गुदगुदी धोती नहीं। उन्होंने क्या किया, पिन ली। अच्छा। अरे इन पिन चुप और मैं चुप कूदू आपने दिया और इतनी चुप होती हो पिन, शूटिंग में शाम को जब देखा मेरी धोती खुदी लाल हो गई थी खून में। अच्छा। हाँ ये हाल था। तो बट वो जो दर्द है जब गाना देखते हैं अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अच्छा लगता है, उम्मीद थी गाना इतना सुपरहिट होगा और लंबे समय तक सदाबहार गाना हो जाएगा। ना नहीं थी जी। नहीं थी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ नहीं थी, बट गाना अच्छा हुआ और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज भी उसके बारे में चर्चा होती है। अच्छा, चंद्रावल नाम कैसे आया? चंद्रावल तो एक हीरोइन का नाम था, उसी के ऊपर रख दिया, नाम तो अलग अलग रखते हैं। अच्छा अच्छा। और ये लगभग 25 दिन की शूटिंग थी पूरी चंद्रावल फिल्म की। पूरी 25 दिन की शूटिंग हुई और ये 16 mm पर शूट हुई थी उस टाइम जी, और 35 mm पर ब्लॉक की थी, और फिर रिलीज़ की हमने ये पहले 3 स्टेशन पर रिलीज़ की थी जी, सोनीपत, हिसार और फरीदाबाद जी, और वहाँ से फिल्म उठी फिर। अच्छा। और हमारी ड्यूटी लगी थी फरीदाबाद जी, जयंत प्रभाकर और मेरी, कि आप दिल्ली हो हाँ। वहाँ संभालो जी। हम गए जहाँ फिल्म लगनी थी थिएटर में, गगन थे सिनेमा था वो जी। तो गए वहाँ, खाली पड़ा कोई नहीं, हम पहले पहुँच गए, मैनेजर था, मैं कहा यार यहाँ सुना है फिल्म लग रही चंद हरियाणवी, अजी की हो है हरियाणवी फिल्म में कौन देखता है, ये है वो है, कहाँ फिल्में बनती हैं। घूम फिर गए, बिल्कुल हाउसफुल। अच्छा। अंदर गए फिल्म देखी, लोग ठाके लगा रहे हैं। अच्छा। पाट रहे हैं, मजा आ रहा है। तो इंटरवल हुआ, मैनेजर के पास गए, महाराज क्या रहेगा हमने देखे, अभी कुछ नहीं कह सकते जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। अगले दिन फिर गए जी। तो बोला जी लोग पसंद कर रहे हैं, देखो चारों हाउसफुल जा रहे हैं। अच्छा। हाँ अच्छा। हफ्ते के बाद गए, बोला जी इस फिल्म का नहीं पता कब उतरेगी कब निचड़ेगी। तो ये था वहाँ चलन, नॉट ओनली इन हरियाणा, आप यूपी उत्तर प्रदेश इवन दिल्ली में गोलचा सिनेमा जी। मैं बताना चाहूँगा गोलचा सिनेमा में जो कि दरियागंज में है और वहाँ पर हिंदी फिल्में लगती हैं, तो वहाँ 4 हफ्ता हाउसफुल चली है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद ये फिल्म आ गई थी राम तेरी गंगा मैली, तो उन्होंने वो फिल्म बुकिंग कर रखी थी, वो वहाँ से उतारी हाउसफुल पे उतारी जी।
और वो फिर लगी राजस्थान के अंदर, बहुत ही पॉपुलर सिनेमा है वहाँ का, राज मंदिर जी, वहाँ भी फुल चली। वेस्टर्न यूपी और मैं कहूँ हरियाणा तो पूछो मत, छः सात जगह तो सिल्वर जुबली हुई है। हाँ, सबसे लंबे समय तक किस सिनेमा में रही है फिल्म चंद्रावल? गगन सिनेमा है फरीदाबाद जी, वहाँ पर 9 लाख तो उन्होंने ब्लैक कमाया। ओ, और उनका आपस में झगड़ा हुआ, फिर पार्टनर जो थे उस जमाने में 9 लाख ब्लैक कमाया था उन्होंने। क्या बात है। और ये फिल्म बनी थी कितनी जी? 3.5 लाख में। अच्छा, पूरी फिल्म? हाँ, 3.5 लाख में फिल्म बनी थी जी। और बाद में तो पैसा अच्छा आया उसको, बट मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो फिल्म जो है ना पैसे से नहीं बनती जी, फिल्म बनती है पैशन से। पैशन से। और जितने भी उस फिल्म में काम करने वाले थे सारे फर्स्ट टाइमर थे। अच्छा। किसी को यूँ नहीं पता था कि तुझे क्या मिलेगा, बस ये था कि फिल्म में काम करना जी। और लोगों ने पसंद आया, म्यूजिक बहुत अच्छा था, म्यूजिक अच्छा था। जो चंद्रावल का जो कॉमेडी है वो सुपर हिट कॉमेडी रही जी। दोनों जो है वो दरियाव सिंह मलिक और नसीब कुंडू, उनकी एक ड्रेस बनवाई थी, पूरी शूटिंग में वो ड्रेस रही है, उसकी दूसरी चेंज नहीं हुई है जी। इतनी सस्ती ड्रेस और कोई एक कॉमेडी लिखी हुई नहीं थी, ये भी खासियत है। अच्छा। कोई डायलॉग नहीं लिखा हुआ था, सिचुएशन बता दिया करते हम कि अगला सीन ये है, उसके फादर नाराज़ हो गए हैं, उसने हीरो को बंद कर दिया है, अब वो बाहर निकालना, तुम उसके दोस्त हो। अच्छा। तुम सोच का ओके करना है जी। वो आकर आते बोला जी हम ऐसे करेंगे, हम मोटरसाइकिल बनावाएंगे, उसने बाहर खिड़की पाड़ांगे, फिर कहा मैं मोटरसाइकिल गाता होगी, बोला जी गधा ले आओ, गधे के बनावाएंगे। तो गधा बैठ कर उसकी आवाज़ दी और वो लोगों को पसंद आई। अच्छा। तो कोई भी एक भी डायलॉग रिटर्न नहीं था, हम उसको फ्रीडम दे रखे थे दोनों को बोलने की, रुंडा खुंडा, रुंडा खुंडा दोनों जी। और वो जो गुरुजी बने हैं वो भी ऐसे ही थे, वो थोड़ा शरीर का पतला था, सुखड़ा पहलवान उसका नाम रख दिया हमने, था ये सूखा हुआ जी। तो वैसे है कि पैसा लगाओ जी। ये नहीं कि पैसे से, हमने दूसरी फिल्म बनाई फिर लाडो पसंद थी जी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह कि इसमें हमने कोई लाइट यूज़ नहीं की थी चंद्रावल में, कोई लाइट यूज़ नहीं हुई थी जी, कोई डबिंग नहीं थी जी, लोकेशन की साउंड सब कुछ। अच्छा। हाँ, इसलिए इसका खर्चा कम लगा जी। दूसरे में हमने सोचा था कि लाडो बसंती बनाएंगे, इसमें हम इसका 35mm पर शूट करेंगे जी, हम इसकी डबिंग भी करेंगे, लाइट भी यूज़ करेंगे, सब कुछ किया, पर फिल्म वो इतनी नहीं चली जितनी की है। तो इसलिए ये है कि फिल्म पैसे से नहीं, पैशन से बनती है। पैशन था बढ़ा गए। और ऐसा क्या हुआ कि चंद्रावल जितनी सुपरहिट हरियाणवी फिल्म रही उसके बाद उस तरह कोई फिल्म नहीं आ पाई? हाँ, इसका कारण क्या है, भागदौड़ हो गई, पब्लिसिटी हो गई, 3 लाख में फिल्म बनी है, 3.5 लाख में बनी है और इतने 3 करोड़ रुपये कमा लिए, कोई बम्बे का नहीं है इसके अंदर, इतने दिन में शूटिंग हुई, तो लोगों ने सोचा यार 3 लाख में उन्होंने हम 6 लगावांगे, हम 6 करोड़ कमावांगे, तो ये एक ये नहीं सोचा कि इसके पीछे मेहनत कितनी है, जो पीछे लावा है वो हीरो, जो पीछे लावा है वो कह दे मेरा बाप ये बनेगा हम ये करेंगे, तो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं नॉलेज रहा नहीं, या कोई डायरेक्टर आया भी 3rd ग्रेड का बॉम्बे से ले आए, तो काम हुआ नहीं। लोगों ने केवल सोचा कि इतना पैसा लगा दो, 3 लाख में 3 करोड़ कमाए, तुम 6 लगाओ तुम 6 करोड़ कमाओगे, पर वो फॉर्मूला फेल हुआ और क्वालिटी डाउन हो गई, दर्शक भी भाग गए, अच्छा सिनेमा आया नहीं, लोगों ने सिनेमा में जाना बंद कर दिया। अच्छा, वो चंद्रावल की जो स्टार कास्ट थी, रुंडा खुंडा थे, आप थे और दूसरे कलाकार थे, कभी उसके बाद आपने जैसे मिलना जुलना, आपकी पार्टी वार्टी होती रहती थी? हाँ, मिलते थे, क्योंकि रुंडा खुंडा तो अभी बीते दिनों रही, पैसा कमाया जी, रामलीला का उद्घाटन हो रहा वहाँ चले जाया करते, मकान का करना वहाँ चले जाना, वो तो बोलते थे जी, जी हमने फिल्म तो नहीं मिला पर हम बहुत प्रसिद्ध हो गए और हमने बहुत पैसा मिला, फिल्म से मिला ना मिला हो पर फिल्म से हमने प्रसिद्धि मिली जी, बिल्कुल प्रसिद्धि पाई, और बीते दिनों दोनों का स्वर्गवास भी हो गया उनका। हाँ, अभी पीछे दरियाव सिंह मलिक तो मिलते रहते थे हमें जी, और बड़ी ही मैं कह रहा हूँ वी आर लकी, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ थे, बड़ा दुख है उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, तो क्यों चले गए। आपने उस जीजा के रोल के बाद और भी किसी फिल्म में कोई रोल किए?
हाँ मैंने इसमें जर जोर ज़मीन में किया, विलन का रोल था मेरा जी। गुलाबों में था, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया मैंने जी। तो किए हैं रोल तो कितनी उम्र थी उस टाइम आपकी? 84 में मैं था, कोई 21 साल का था। अच्छा 21 साल के हैं? 30 साल के जी जी। हाँ तो मैं सर्विस करता था डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। अच्छा मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है जी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जी। और फिल्मों का एक काम है वहाँ। अच्छा नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करना है तो हम इस तरह से फिल्मों के चेक करते थे, ज्यूरी के लिए स्क्रीनिंग होती थी जी। तो जयंत प्रभाकर भी उसमें एक प्रोजेक्शनिस्ट थे वहाँ पर। हाँ। आर्मी फिल्म एंड फोटो डिवीजन के अंदर जी। तो उन्होंने कहा यार यहाँ इतने हर रीजन की फिल्में आती हैं, अपने हरियाणा की कोई फिल्म नहीं आती। हाँ हाँ। मगर यार ये दुख तो मुझे भी है, बननी चाहिए जी। तो एक दिन उन्होंने बोला यार पिताजी कह रहे हैं कहानी लिख ली है पर हमें तो पता नहीं कुछ बॉम्बे का ये वो। तो हम फिर मैं और जयंत प्रभाकर चंडीगढ़ गए, देवी शंकर प्रभाकर से मिले। कहता छोरे हो कहानी तो लिख रखी भाई पर महाराज तो बॉम्बे जनते अंडर ला गए मगर बनावांगे। तो इस तरह से ही कानवा शुरू हुआ। ये हरियाणवी जो सिनेमा है आज किस पोजीशन पे है और वो कैसे ऊपर उठे? हरियाणा सिनेमा अब अच्छा बन रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है जी। और पहले तो क्योंकि आपका 16mm 35mm पे शूट होता था जी। अब तो आजकल डिजिटल हो गया है, मेहनत कम हो गई है जी। और लेबोरेटरी ख़त्म हो गई, लैब में जाना नहीं पड़ता। तो टेक्नोलॉजी का के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा हो गया है और लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। बस राइटिंग अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो जी। तो उस पर अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, अच्छी बिल्डिंग बन सकती है। राइटिंग कमज़ोर है थोड़ी सी, वो होनी चाहिए। वो सेट पे देखते हैं अरे ये बोल दे ऐसे बोल दे, सहजता आनी चाहिए। हम चिल्ला के डायलॉग बोलते हैं मेरी माँ पर बाबू कित गया, इस डायलॉग हमें मेरी माँ बाबू कित गया ना, तो हमें थोड़ा सा स्टाइलिश एक्टिंग ना लगे ऐसा हो। अच्छा एक और बताओ, जैसे आपने जीजा का रोल उसमें निभाया, उसके बाद आप कहीं जाते थे लोगों को पता चलता था ये सिंदरावड़ के जीजा हैं, और किस तरह की रिएक्शन आपको मिलती थी? मजा आता था बहुत अच्छा लगता था आपकी साड़ी वाड़ी रियल में। हाँ, और परिवार में रिश्तेदारी में बहुत अच्छा मानते थे। वी फील प्राउड कि हम आर्टिस्ट हैं। आप आर्टिस्ट हैं और सिंदरावड़ फिल्म का उस सुपर हिट गाने का हिस्सा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज भी कई गाना चलता है मेरे को तो टोक देते हैं इतना गाना चल रहा है। अच्छा थोड़ा सा है ना, हमारे शुरुआत में इंट्रोडक्शन ही हुआ, अपना गांव का नाम थोड़ा वो बताइए। अच्छा मैं रामपाल बल्हारा, मेरा गांव है बहु अकबरपुर, जिला रोहतक। जिला रोहतक, रोहतक से हिसार रोड पर पहला गाँव पड़ता है जी। और मैं अब फिलहाल द्वारका में रहता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में फिल्म प्रोडक्शन मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ और तकरीबन NFDC के अंदर मैंने बहुत काम किया। गांधी फिल्म से मैं जुड़ा था, वहाँ पर जितनी सरकारी एड फिल्म बनती थी वो बनाते थे और वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ मैं अन्ना हुआ। अभी अभी लास्ट किस फिल्म में आप काम कर रहे हैं? अभी तो मैंने वेब सीरीज में काम किया, ओपरा के अंदर काम किया, अभी एक और वेब सीरीज जिसमें काम कर रहा हूँ, अभी कॉलेज कांड में भी काम किया। ओके। हाँ और एक फिल्म बनाई हमने, पंजाबी फिल्म बनाई थी सैल्यूट जी, उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी था जी। तो वहाँ भी काम किया जी। तो काम आता है, क्वालिटी का काम आता है करता हूँ। यशपाल शर्मा जी के साथ लगे हुए हैं, पाँच सात तो इसमें हो गया मैं। ओके दादा लक्ष्मी में। दादा लक्ष्मी जी जी। चलो ये थे हमारे साथ रामपाल बल्हारा जी और चंद्रावल फिल्म के जीजा, तो इनके साथ पूरी बातचीत की और जो चंद्रावल फिल्म के जो सीन थे उनको याद किया। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।